मोगा के विधायक जोगिंदर पाल जैन ने पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन के अहदे तो इस्तीफा दे दिता है। इस संबंधी पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट को जानकारी देते हुए पंजाब के एडवोकेट जनरल अशोक अग्रवाल ने दसिया कि जैन के इस्तीफे की कॉपी उन्हां कोल है। बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार नूं 2 हफ्ते च अपना पक्ष स्पष्ट करने लिए कहा है। पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन की नियुक्ति तो बाद उठे विवादों कारण मोगा तो अकाली दल के विधायक जोगिंदर पाल जैन ने अपने अहदे तो अस्तीफा दे दिता है। उन्होंने नियुक्ति नूं चुनौती देने वाली पटीशन च कहा गया सी कि 1988 च जैन जद बैंकॉक जा रहे सन तो उन्होंने फर्जी दस्तावेजा और जाली पासपोर्ट के दोष तहत फड़ लिया गया। 29 जनवरी 1992 नूं दिल्ली की अदालत ने उन्होंने दोषी करार दिता सी। पटीशन च यह भी कहा गया कि उन्हां उत्ते कुछ होर मुकदमे भी चल रहे ने। पटीशनकर्ता HC अरोड़ा ने कहा कि दोषी करार दिते गए व्यक्ति नूं पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की चेयरमैनी नहीं सौंपी जा सकती। हाईकोर्ट च सोमवार को हुई सुनवाई दौरान जोगिंदरपाल जैन खुद अदालत च मौजूद सन। पंजाब के एडवोकेट जनरल अशोक अग्रवाल ने उन्होंने अस्तीफे की जानकारी देते हुए अदालत नूं दस्या कि जोगिंदरपाल जैन की इस अहदे ते नियुक्ति हो सकती है क्योंकि नियमों अनुसार जेकर वह 5 सालों के अंदर अंदर दोषी करार दिए गए होंगे तो उस हालत च उन्होंने चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता सी। अशोक अग्रवाल की इस दलील सुनने तो बाद बेंच ने उन्होंने पूछा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि उन्होंने दोषी ठहराए जाने की जानकारी तो बाद भी की सरकार उन्होंने चेयरमैन बनाऊंगी। आज की सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल श्री अशोक अग्रवाल जी ने कोर्ट को ये बताया कि श्री जोगिंदरपाल जैन ने रिज़ाइन कर दिया। उसके रेजिग्नेशन की कापी मेरे पास भी है, सरकार के पास भी है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्हें अपॉइंट किया गया था तो उनकी फाइल में इस चीज़ पर कोई विचार नहीं किया गया था कि इनकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं। एडवोकेट जनरल ने यह कहा कि हम क्योंकि कानून के नज़रों में कोई उसकी डिसेबिलिटी नहीं, इनएलिजिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि 5 साल से पुराना कोई मॉरल टर्पिट्यूड की कन्विक्शन हो तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उन्हें अपने अंदाज में समझाया कि आप इस ढंग से इस पर विचार कीजिए कि क्या पंजाब में ये अकेला ही आदमी है जिसकी ये छवि है और इस पोस्ट को संभाल सकता है, या कोई और आदमी भी पंजाब में है जो इस पोस्ट पर काम कर सकता है। आज माननीय चीफ जस्टिस महोदय की अदालत में ये मुकदमा पेश हुआ था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ने आदेश दिए हैं कि सरकार, पंजाब सरकार, इस सारे मटेरियल को जो रिकॉर्ड पर नहीं था उसको रिकॉर्ड पर लेकर उसको कंसीडर करने के बाद अपना फाइनल डिसीजन लेगी कि श्री जोगिंदर पाल जैन MLA मोगा वो पंजाब वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन के पद पर बने रहने के लिए सक्षम है या नहीं। इस पटीशन ते हुन अगली सुनवाई 16 सितंबर नु होवेगी। दस दिए कि जोगिंदरपाल जैन 2012 च मोगा तो कांग्रेस की टिकट से विधायक चुने गए सन पर बाद विच विधायकी तो अस्तीफा दे के वह अकाली दल च शामिल हो गए सन। इस तो बाद अकाली दल की टिकट से उन्हें मुड़ चोण लड़ी और वह चोण जित गए। इस तो बाद उन्होंने पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की चेयरमैनी दी गई सी। चंडीगढ़ तो कैमरामैन मुकेश पांडे ते पत्रकार संजय मेहता के नाल इंदरपाल सिंह, डे एंड नाइट न्यूज़। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदी भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।